हाय एंड वेलकम टू कुक विद आनिया। और मैं हूँ एनिया। तो आज हम बना रहे हैं जिंगर शवारमा। तो सबसे पहले शवारमे का डो देख लेते हैं कि इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। शवारमा के डो के लिए हम लोगों को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, एक छोटी चम्मच मैंने नमक ले लिया है, दो चम्मच मैंने ऑयल, इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं या घी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा चम्मच जो है वो मैंने ईस्ट का ले लिया है और एक चम्मच मैंने चीनी, और इसको गूंदने के लिए नीम गर्म दूध या पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए दूध यूज़ करूँगी। तो सब चीज़ों को पहले वन बाय वन हम इसके अंदर नमक, ईस्ट और शुगर इन सबको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब मैं इस दूध के साथ इनको गूंदूंगी। दूध डालेंगे और हल्का हल्का दूध डाल के इसको मिक्स करते हुए, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही ये दो रेडी करनी है। आटा गूंद के उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल के साथ इसको सारा मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। डो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर करके एक घंटे के लिए रख दूंगी। तो जब तक हमारा डो राइज हो रहा है तब तक हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन को मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है और ये आधा किलो है। साथ एक चम्मच लेना है लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच काली मिर्चें, दो चम्मच वाइट विनेगर, अगर वाइट विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, एक अंडा और नमक लेना है। अब इसमें गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही वाइट विनेगर ऐड करेंगे, एक अंडा शामिल करेंगे, एक अंडा शामिल करेंगे और नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करके एक घंटे के लिए रख देंगे। तो डो हमारा राइज हो गया है। अब हम इससे शवारमे की ब्रेड बनाएंगे, यानी पीटा ब्रेड बनाएंगे। इसी तरह हम इसको गोल बेल लेंगे और उसके बाद इसको हम प्लेट में रखेंगे। अब प्लेट में ऐसे रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि थोड़ी सी और राइस हो जाए। इसी तरह मैं सब बेल के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। जब हमने डो राइस होने के लिए रखा था, ये देखिए हमारी रोटी जो राइस हो गई। अब इसको मैं पैन पे डालूंगी। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर इसको डाल दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इसी तरह पहले मैंने साइड पलट दी, अब फिर मैंने दूसरी साइड पलट दी। अब मैं इस पर हल्का हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसी तरह इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। इसी तरह ऑयल दोनों साइड पे लगा के इसको इसी तरह लो फ्लेम पे बनाएंगे। देखिए ऐसे ही पक रही है। इसी तरह ये सारी पीटा ब्रेड पकाते जाएंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, एक कप मैदा लिया है, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, 6 चम्मच कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च, आधी आधी चम्मच मैंने ली है नमक और पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून यानी आधी चम्मच से भी कम मैंने लिए है बेकिंग सोडा। तो अब इन चीज़ों को ऐड करेंगे। अब इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने जिंजर गार्लिक का सारी पेस्ट ऐड किया है तो कोटिंग तैयार हो गई है। अब हम एक चिकन का पीस लेंगे और इसको डिप करेंगे ड्राई कोटिंग में और फिर इसका 2 बार कोट करेंगे फिर से। अब इसी तरीके से सारे चिकन को कोट कर लेंगे। तो चिकन मैंने तैयार कर लिया है, अब इनको फ्राई करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल और इसको कर लिया है गरम। अब हम इसमें सारे चिकन के पीसेस ऐड। तो शवारमा बन के रेडी है, पर अब इसको असेंबल करेंगे। तो जो हमने चिकन भी बनाया था जिंगर वो भी रेडी है। तो चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले एक पीटा ब्रेड उठाएंगे और उसके ऊपर ये मैंने सॉस बनाया है, इसकी इस सॉस की शवारमा का सॉस है। इसकी रेसिपी आपको जल्द मिल जाएगी। अब हम केचप लगाएंगे
टोमेटो केचप, उसके बाद मायोनीज लगाएंगे, अब इसके ऊपर हमने चिकन लगाना है यानी जिंगर लगाना है और साथ ही इसके ऊपर सैलेड लगा देंगे। आप कोई भी सैलेड यानी कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट वगैरह जो भी घर पे अवेलेबल हो। तो मज़ेदार जिंगर शवारमा बन के रेडी हो गया है और ये गोल्डन बात भी सुन लीजिए। सादा कबाब नहायत खुश होगा और दानिशमंद कबाब उससे शादमानी करेगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।